हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जेत पुत्रिका व्रत यूपी बिहार में रखा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। और आपसे बता दूं कि इस व्रत से बड़ा कोई व्रत भी नहीं है, महाव्रत इस व्रत में कहा जाता है। तो इस व्रत को लेकर इस बार काफी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि देखिए अष्टमी तिथि में प्रायः ये व्रत रखा जाता है, तो फिर अष्टमी तिथि 2 दिनों की पड़ रही है। और दूसरी चीज कि इस बार नया कोई व्रत प्रारंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्रत की पूरी विधि क्या है, एक एक चीज जो एक एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो भूलिएगा मत, आप लोग वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं, तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस बार ये जीवित पुत्र का व्रत जो है वो 6 अक्टूबर को पड़ा है, ठीक है। 6 अक्टूबर 2023 को इस बार जीवित पुत्र का व्रत रखा जाएगा। लेकिन जैसे कि जीवित पुत्र का व्रत हो गया या फिर कोई भी जब बड़े व्रत होते हैं तो उसमें एक दिन पहले नहाए खाए का नियम होता है, तो ये भी असल में व्रत का ही एक प्रोसेस होता है। तो उसमें एक दिन पहले यानी कि 5 तारीख को आपको नहाए खाए करना है। नहाए खाए में क्या करना है, तो देखिए इस व्रत में महिलाएं थोड़ा सा लेट स्नान करती हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट स्नान किया जाता है। आपके यहाँ यदि ये नियम हो तो कर लीजिएगा, हमारे यहाँ थोड़ा सा नियम है कि 9-10 बजे के करीब नहाया जाता है, ठीक है, नहाए खाए के दिन। और तब तक आपको चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन जो भोजन वगैरह है वो बिल्कुल बिना नहाए नहीं करना है। क्या करना है, और एक चीज और आपको वीडियोस बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस व्रत में देखिए पूरे नियम ना अपनी जो परिवार की परंपरा होती है, जैसे आपके परिवार में जिस तरह से होता है वही नियम पालन करिएगा। आप चाहते हैं कि आपके पितर प्रसन्न रहे, आपकी सासू माँ है तो ठीक है, नहीं है तो आप उनके लिए तर्पण वगैरह कैसे करें, तो सब कुछ अपने परिवार के नियम क्या, अपने आसपास पता करिए, जिस तरह से होता है उसी तरह जीवित पुत्रिका में व्रत रखा जाता है। फिर भी यूपी और बिहार में लगभग एक तरह से व्रत के नियम होते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ यूपी में वाराणसी में होता है मैं वो नियम आपको बताने जा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि ये नियम आपके नियम से काफी सेम होगा, यदि कोई डिफरेंस है तो आप बताइएगा। तो मैं कह रही थी कि एक दिन पहले 5 तारीख को आपको नहाए खाए करना है। कैसे करना है, तो देखिए आप 9-10 बजे के करीब, अधिकतम 10 बजे, उसके बाद आप क्या करिएगा, एक तिल्ली होती है, तिल्ली की पत्तियां, ये आपको बाहर मिल जाएगी, मार्केट में भी मिल सकती हैं, तो एक दिन पहले लेके रखिएगा। और जब शैम्पू वगैरह कर लीजिएगा, बाल धो लीजिएगा, तो अंत में मग में तिल्ली की पत्तियों को रगड़ करके और तो उनसे जा करके अंतिम में बाल धुला जाता है, पत्तियों को पानी में डालकर उससे नहाया जाता है। तो पहला तो ये व्रत का प्रोसेस है, नियम है, जिसको कर लीजिएगा। और दूसरी चीज है कि उसके बाद आप जो भी खाना खाना चाहे खाइए, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। और नहाए खाए की शाम को कुछ खाने का विधान है, जैसे हमारे यहाँ है उड़द की दाल बनती है, और दाल उड़द की दाल में जो देसी घी होता है वो जरूर डाला जाता है, ऐसा नियम है। अब कुछ कुछ लोगों को देसी घी पसंद नहीं होता है, तो जो नहीं पसंद है वो अपना बटर वगैरह कुछ भी कर लीजिए आप लोग, लेकिन ये डालना हमारे यहाँ का नियम है और जरूरी है, तो ये डाल दीजिए। और दूसरी चीज है कि इस उड़द की दाल के साथ साथ एक हमारे यहाँ इसको सरपुतिया बोलती है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मैंने इसीलिए स्क्रीन पे इसको लगाया कि आप बताइएगा। तो सरपुतिया की सब्जी, ये 2 चीजें खाने में इंपॉर्टेंट है शाम को, जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन शाम को, तो दाल और इस चीज की सब्जी ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ जैसे शाम को दही खाना तो मना होता है, लेकिन इस व्रत में दही जरूरी होता है शाम के खाने में, तो दही, ये 3 चीजें जरूरी होती है। उसके साथ आप चावल रोटी जो भी खाना चाहें वो खा लेते हैं। इस तरह से करके आपका नहाए खाए का नियम पूरा हो चुका। अब क्या करेंगे आप लोग, तो देखिए उसके बाद हम करेंगे सरगी। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि हमारे यहाँ सरगी नहीं होती है, नहीं होती है फिर भी कर लीजिएगा, व्रत बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप इस व्रत में सरगी कर लीजिएगा, सरगी वही 2.5 से 3 के बीच, आपको जो भी चीजें मैं अक्सर बताती रहती हूँ हरतालिका तीज पे भी बताई थी कि आप नारियल पानी पीजिए, पानी पीजिए, और आप फल खाइए एक दिन पहले अपने खाने में, थोड़ा पकौड़ी पकौड़ा ये सब चीजें मत खाइए। प्रायः जो होता है वो नहाए खाए के दिन ये सब चीजें बनती है, लेकिन आप खाइए मत, बस थोड़ा सा खा लीजिए। और कुछ लोगों के यहाँ ना नहाए खाए के दिन भी नियम होता है पूजा वगैरह का, तो आप लोग के यहाँ नियम है तो कर लीजिएगा। अब जब आप अपनी सरगी करेंगे, उससे पहले आपको क्या करना है कि छत पर जाकर के और चीलों सियारों के लिए थोड़ा सा दूध और चिवड़ा, जो चिवड़ा होता है उसको, निनुआ के पत्ते, निनुआ जो सब्जी होती है उस सब्जी के पत्तों पे
आपको चढ़ाना होता है, 7 जगह 9 जगह। तो ये नियम यदि आपके यहाँ है तो नहाय जो पारण सॉरी जो सर्गी होती है उससे पहले करके और तब उसके बाद आपको सर्गी करना है, ये नियम आपको करना है और सभी के लिए करना है। देखिए सास के तर्पण की चीज अलग है, ये सभी के लिए करना है। और जिन घरों में जैसे कि सास अभी आपकी है और कर रही है, आप बाहर कहीं हैं और सास जो है घर पे कर रहे हैं, तो आपको ये चढ़ाने वाला कोई नियम नहीं करना है, ठीक है। आप कोई चढ़ाने वाला नियम नहीं करेंगे, मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, सुनिएगा। तो आपको सिर्फ सर्गी करने कर लेना है। कोई चीलों सियारों के लिए जो दूध और चिवड़ा वगैरह चढ़ाया जाता है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि घर पे आपकी सास कर रही है। जिनकी सास नहीं है वो सारे नियम पालन करेंगे। ये चीज हो गई। अब उसके बाद दूसरा काम करना है, आप सर्गी वगैरह ले लीजिए, व्रत आपका प्रारंभ हो चुका। उसके बाद आप अपना जैसे हो नहा लीजिए, सुबह ही नहा लीजिए, अपना जो भी कपड़े वगैरह पहनना है पहन लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि कपड़े वगैरह पहनने के बाद आप इस व्रत में कोई नया पहनना जरूरी नहीं है। शाम के टाइम गोठ में जाया जाता है, गोठ का मतलब कि नदी किनारे, ठीक है। गोठ साधारण बोलचाल की भाषा में गोठ बोला जाता है। नदी किनारे औरतें, बहुत सारी औरतें इकट्ठी होती है और वहां पे अरियार और बरियार दो पौधे होते हैं, अरियार और बरियार, मैं लगा तो नहीं पाई हूँ, उनका वहां पे मिट्टी में गाड़ करके और उन्हीं का पूजन होता है। तो पूजन में वही जो जीवित पुत्रिका में जो धागा वगैरह ले गए होते हैं फल फूल वो सब वहां चढ़ा दिया जाता है, कहानी सुनी जाती है, साड़ियां आप चढ़ा दीजिएगा। अब ये चढ़ाने वाला जो काम होता है वो लोग नहीं करेंगे जिनकी जिनके यहाँ जिनकी सास घर पे कर रही है और बाहर कहीं वो सिर्फ खड़े खड़े व्रत रहेंगे। उनकी इच्छा हो तो गोठ में जाकर के कहानी वगैरह सुन सकते हैं, लेकिन चढ़ाने का काम नहीं करेंगे। एक काम और होता है, निम्मा के जो पत्ते होते हैं, जो मैंने बताया कि सुबह चीलों सियारों के लिए जिसपे भोजन निकलता है उस पे यहाँ पे खली और तेल चढ़ाया जाता है 7 स्थानों पे 9 स्थानों पे। तो ये भी वो लोग करें जिनकी घर जिनकी सास नहीं कर रही है या फिर जीवित नहीं है, ठीक है। बाकी जिनकी सास है उनको खड़े व्रत रखना है, कोई चढ़ाने वगैरह का काम उनका नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, खली और तेल चढ़ाया जाता है और अगले दिन वही खली और तेल अपने बेटा बेटी जो भी है संतान उनको लगाया जाता है जब आप पारण करेंगे उससे पहले। तो ये चीज हो गई। अब ये जो पूजा की विधि होती है सामान्य होती है, अरियार बरियार से आप अपनी ज्योतियां जो रेशमी धागे में आप सोने या चांदी की ज्योतियां बच्चों के जन्म के समय बनती है, शादी के समय बनती है, जैसे हमारे यहाँ नियम है कि चांदी की ज्योत पुत्रिका जो है बच्चे के जन्म के समय बनेगी और जब बच्चों की शादी होगी तो सोने की बनेगी, तो एक बच्चों की 2 हो जाती है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। और ये ज्योत पुत्रिका जो ज्योतियां बोलते हैं वो सिर्फ बेटे की बनती है, बेटे की बेटी की नहीं बनती है। तो आपके यहाँ जो भी नियम हो, हमारे यहाँ का जो नियम है मैं वो आपको बताती जा रही हूँ। उनको गूंथ लिया जाता है रेशमी धागे में और उनको भी अरियार बरियार से स्पर्श करा दिया जाता है और वो करा करके और आप ले आइए और उसको अपना रख लीजिए। और उसके बाद करिए अपना शाम को जब ये गोट खत्म हो जाता है कहानी वगैरह सुन लीजिए, सुनने के बाद आप अपने घर पे आइए। और जैसा कि इस व्रत में बहुत ज्यादा शोर शराबा है इस बार कि ये व्रत जो है वो 24 नहीं बल्कि 48 घंटों का, ऐसा क्यों है? देखिए बहुत सारे फोन आ रहे थे और जब मैं कल बात कर रही थी पर्सनल तो उसमें एक प्रश्न था कि ये बताइए कि अष्टमी तिथि में जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है और अष्टमी 7 तारीख को भी है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे में कुछ लोग हमारे यहाँ कह रहे हैं कि ये व्रत 48 घंटे का होगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 48 घंटे कहना आसान है, आप लोग बताइएगा। 48 घंटे बिना पानी के रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो 8 मैं बता रही हूं कि कब ये अष्टमी खत्म हो जा रही है, अष्टमी 8:08 पर 7 तारीख को, ध्यान से सुनिए, 7 तारीख को 8:08 पर अष्टमी खत्म हो रही है। उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत का जो सुबह की पूजा होती है वो होगी, यानी कि जो सास को माड़ निकालने का कार्यक्रम होता है, माड़ निकालने का मतलब कि दूध होता है, चावल का माड़ होता है। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूं कि आप लोग टोटल अपनी इच्छा से करिएगा और अपने पारिवारिक परंपरा के अनुसार, मेरे बताने पे अगर आप लोग कर लिए तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपके परिवार में किस चीज से माड़ निकाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ माड़ शब्द तो प्रयोग किया जाता है लेकिन दूध उसके स्थान पे चढ़ाया जाता है, तो आप लोग अपने यहाँ देख लीजिएगा जैसे होता हो उस विधि से करिएगा। कदापि किसी भी की भी बताने पर गलती मत करिएगा, क्योंकि हम लोग का काम बताना है लेकिन अपने नियम के अनुसार हम लोग बताएंगे। और जीवित पुत्रिका में मैं हर साल ये बात चिल्ला चिल्ला के बताती हूँ कि अपने घर का नियम देखिए, अपने अड़ोस पड़ोस में पता करिए, जितना मेरी बात समझिए उतना समझिए, बाकी अड़ोस पड़ोस में पता करिए और इस व्रत को आप लोग उस अनुसार करिए।
तो मैं बता रही थी कि कोई 48 घंटे का व्रत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज ना होइए। 8:08 पर अष्टमी तिथि 7 तारीख को खत्म है, उसके बाद पारण आराम से होगा, जल भी पिया जाएगा, भोजन भी किया जाएगा। तो कंफ्यूजन वाली ये एक हवा है और कोई किसी भी तरीके की वीडियो बना दे रहा है तो क्या किया जाए, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना होइए, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। 7 तारीख को पारण निश्चिंत होकर करिए। ये चीज आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब एक चीज और बता दूं आपको कि सुबह सवेरे भी एक छोटी सी पूजा होती है, जिसमें देखिए पहले तो लोग घाट पे जाके पूजा करते थे, फिर उसी विधि से अरियार बरियार बोलते हुए हे अरियार हे बरियार, मतलब जाके कहना राजा रामचंद्र से अपने पुत्र का नाम लेकर के कि इनकी मम्मी खर ज्योतिया व्रत है। तो ये अरियार बरियार से संदेश भेजा जाता था प्रभु को कि हे प्रभु हमारे पुत्र का नाम लेकर कि इनकी माँ बहुत खर ज्योतिया, मतलब बहुत कड़ा व्रत करी है, तो ऐसा बोला जाता था। तो ये बोलते हुए और सुबह की पूजा की जाती है, सुबह में भी सास के नाम पे माड़ वगैरह चढ़ा जाता है, तो एक सास का तर्पण होता है, ठीक है। तो ये सारी विधि कर लीजिएगा, नियम कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, मुझे लग रहा है, हाँ एक चीज और बता दूं, नया व्रत कोई भी शुरू ना करे, ये चीज ध्यान रखिए, नया व्रत इस बार नहीं शुरू होगा, अगली बार आप लोग शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि अधिक मास लगा था, उसके बाद किसी भी व्रत को शुरू नहीं किया जाता है। तो ये काम कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आई तो आप लोग बताइएगा जरूर कि मेरी बातें मेरे नियम आपको कैसे लग रहे हैं, और आपके यहाँ ये नियम मैच करता है या नहीं। और चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में, धन्यवाद।